तो आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने समग्र पोर्टल का जो आपका ईकेवाईसी कराया, जो आधार से आपने लिंक कराया, उसका ईकेवाईसी स्थिति क्या क्या है, उसका स्टेटस कैसे आप चेक करेंगे। इसके लिए आप अपने अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से कैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे यहाँ पे समग्र पोर्टल लिखेंगे और यहाँ पे सर्च करने के बाद आप देखेंगे पहला जो लिंक आप दे सकते हैं samagra.gov.in, ये वाले वेबसाइट आएगा। तो सबसे पहले हम इसी लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी समग्र पोर्टल में ईकेवाईसी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो हमें अगर ईकेवाईसी अगर आपका नहीं हुआ है तो आप यहाँ से ई क्लिक करके यहाँ से ईकेवाईसी कर सकते हैं। अगर आपने ईकेवाईसी कर लिया है, उसका स्टेटस चेक करना है, तो हमको इसे क्रॉस करके और यहाँ पे देखें ईकेवाईसी स्थिति जाने, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है ईकेवाईसी स्थिति जाने। हमें अपना ईकेवाईसी स्थिति देखना है तो हमें यहाँ पे करना है ईकेवाईसी स्थिति जाने, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हो संबंध ईकेवाईसी स्थिति जाने। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका जिस भी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे समग्र आईडी डालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे समग्र आईडी दर्ज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड रहेगा उसको यहाँ पे डालेंगे, उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे खोजे पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप देखें समग्र में आधार की स्थिति, तो यहाँ पे आधार हमारा अपडेट है, मतलब कि ईकेवाईसी आपका हो गया है। उसके बाद बैंक खाते में आधार की स्थिति, तो आपका बैंक में भी आधार से ये लिंक हुआ। और उसके बाद डीबीटी सेक्टरी की स्थिति, तो यहाँ पे भी हाँ है, मतलब ये भी तीनों चीज़ ओके हैं। तो आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं, अगर किसी का नहीं हुआ तो यहाँ से डाल के अपना चेक कर सकते हैं।